अभी जब बिल्कुल धूप नहीं है फिर भी अभी आपका शक्ति चल रहा है? चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ ठीक चल रही है। आप सही है, शक्ति सही चल रही है, चल रही है, टेलर भी चल रही है सब। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रयाग सोलर पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दिनेश। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा 15 HP आटा सोलर चक्की के बारे में, जिसमें से हमने इसमें 14 किलो वाट सोलर को इंस्टॉल किया है, जिसमें लूम सोलर का 440 वाट मोनोपर का हाफ कट सेल के साथ में यह इंस्टॉल हुआ है। यह प्लांट हमारा प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ के क्षेत्र में लगा हुआ है और इस वीडियो में हम प्रॉपर इंस्टॉलेशन, प्रॉपर वायरिंग की सारी जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैनल का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। आप यह प्लांट हमारा प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ के लाला बाजार पड़ता है, वहाँ पर लगा हुआ है। जैसा कि देख रहे हो, हमारे बंदे जो काम कर रहे हैं, हमारा सोलर टेक्नीशियन जो हमारा पैनल को लगा रहे हैं, ये है हमारा मिड क्लैंप, ये है हमारा स्प्रिंग नट बोल्ट जिसमें हम GI के स्टैंड में पूरा उसको टाइट करेंगे, और ये हमारा सोलर वायर। फिर मैं आपको सोलर पैनल दिखाता हूँ, उसका ब्रांड नेम दिखाता हूँ और GI स्टैंड दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन हो रही है। जिस भी किसी को देखना है आप ज़रूर एक बार देखें। ये है हमारा पूरा 32 सोलर प्लेट इस पर लगा है। एक सोलर प्लेट जो होता है 450 वाट का है। इसमें देखिए मोनोपर का हाफ कट है, दोनों एक पैनल में, दो पैनल का है, दो पैनल को एक पैनल में जोड़कर बनाया गया है। जो इसमें सिलों की संख्या है 144 सिलों की संख्या है, 72 सिल है। इनमें ऐसा है कि एक सेल को काट के दो बनाया गया है। इसमें IP68 से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, जो इसका जंक्शन बॉक्स है। IP68 एक स्टैंडर्ड होता है जो कि पानी, मॉइस्चर ये सब जाने से अंदर बचाता है। जैसा कि पीछे भी देख रहे हो, इसका जो है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन जो है 440 वोल्ट और 10 एम्पियर या और 11 एम्पियर जो इसका रेटिंग दिया गया है। फिर इसके बाद अब इंस्टॉलेशन की दिखा रहे हैं आपको कि हम कैसे इसको LK की सहायता से बढ़िया से टाइट करते हैं। ये हमारा रूफ टॉप मतलब टिन सेट पे ये हमारा प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा लुक भी दिख रहा है। अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन के बाद की लुक दिखाऊंगा तो और भी अट्रैक्टिव लुक लगेगा। जो पैनल इस पे हम दो स्टिंग बनाएंगे, 16 पैनल का एक स्टिंग होगा, जो हमारा एक पैनल से स्टिंग का करंट आएगा लगभग 45 वोल्ट। इसका मैक्सिमम जो है 51 वोल्ट तक है, लेकिन जो आउटपुट निकल सकता है 45 वोल्ट आएगा। तो हम इसमें 16 सोलर प्लेट को हम इसमें ऐड करके सीरीज में कनेक्शन करेंगे। 16 की दो स्टिंग बनेगी। फिर अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि एक फाइनल लुक जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा फाइनल लुक जो कि लास्ट स्टेज में चल रहा है इंस्टॉलेशन के। जूम करके मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कितना ठीक लग रहा है जो टीन सेट पे ये प्लेट लगा हुआ है। इसमें हम स्टैंडर्ड का रूप भी किए हैं। ये देखिए, इसमें इंड में जो हमारा MC4 कनेक्टर लगाना होता है, कितना अच्छे तरीके से MC4 कनेक्टर लगाया जाता है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड में है तो आप इसको ज़रूर एक बार देखिए। ये है लाइटिंग रजिस्टर, आकाशीय बिजली से गिरने के से बचाने के लिए ये ज़रूर लगाते हैं। इसकी भी पूरी आगे जानकारी दिया जाएगा कि लाइटिंग रजिस्टर क्यों लगाते हैं और कितना ज़रूरी है लाइटिंग रजिस्टर को लगाना। और केवल 32 पैनल से 15 HP की मोटर चलाना मैं ही दिखाऊंगा। इस YouTube पे अभी कोई किसी ने दिखाया नहीं होगा कि केवल 32 पैनल में सोलर, क्योंकि 32 पैनल से कोई 15 HP की मोटर चला नहीं पाता है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। यह लूम सोलर का बहुत ही हाई एफिशिएंसी सोलर है, इसलिए इससे 32 पैनल से चला सकते हो। अब मेरा ऊपर का काम हो चुका है, मैं नीचे चलता हूँ जहाँ भी FD माउंटिंग हो रही है।
ये देखिए बीएफडी माउंटिंग हो रही है, काफ़ी वेटेड है इसलिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं बीएफडी को माउंट करने में। हमने इसमें एक एसपीडी मतलब सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस डीसीडीबी भी लगाया, जिसके अंदर ही सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस रहती है जो हमारे सब्जेक्ट या बीएफडी को प्रोटेक्ट करती है। लगभग वायरिंग का भी काम ख़त्म हो गया है, तो मैं अब सारा कुछ दिखा ही रहा हूँ। इसके बाद मैं दिखाऊँगा कि क्या धूप है, किस कंडीशन में चल रहा है, जो हमको 15 HP की मोटर चला। फाइनली दोस्तों यह पैनल लग चुका है, जो 32 पैनल लगा हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, एक एक सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए हमारा बैक कैमरा से कितना अच्छा लुक है, मैं एक एक डिटेल पूरी सब्जेक्ट नीचे तक चल के दिखाऊँगा। ये मौसम का हाल देख ही रहे हैं, बहुत ही हल्का धूप है, धूप गया है। ये लाइटिंग एरिस्टर है, इसको देखिए कितना अच्छे ढंग से और कितने अच्छे ढंग से इसमें वायरिंग किया गया है। वायरिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक हमारी ये जो है स्ट्रक्चर को हमने शॉर्ट करके डायरेक्ट नीचे एक अर्थिंग में हमने दे दिया है। फिर एक दो लाइटिंग एरिस्टर वाला है ये हमारा, ये देखिए लाइटिंग एरिस्टर का हमने कितनी मोटी वायर, ये 90 mm मोटी हमारी जो वायर है, और इसको एक लकड़ी पे इसलिए किया गया है कि नीचे जो हमारा अर्थिंग है जो नीचे ना जाए, जब भी कभी लाइटिंग एरिस्टर मतलब आकाशीय बिजली गिरे तो ये हमारा धीरे धीरे आके आराम से पूरा शॉर्ट हो जाए और जहाँ पे हमारा ग्राउंड हो चल ग्राउंड में आ जाए। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि कैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्टैंडर्ड काम अगर करना है तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे कभी भी लाइटिंग एरिस्टर या वो आकाशीय बिजली गिरती है तो हमारे घर को हमारे पैनल को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाता है। जिस तरीके से यहाँ पे वायरिंग का भी काम बहुत ही अच्छे से किया गया है। और दोस्तों अब चलता हूँ नीचे, नीचे भी चल के आपको सही ढंग से दिखाएंगे वहाँ से पैनल का वायरिंग। ये देखिए वहाँ से आया जो हमारा वायर लगा हुआ है नीचे तरफ गया है डायरेक्ट हमारे बीएफडी में, जहाँ पे हमने एक डीसीडीबी भी यूज किया है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर, सीढ़ी से नीचे की ओर मैं जा रहा हूँ। अब ये भी देखिए कि धूप भी कम है, लेकिन हमारा जो 15 HP का मोटर है अभी रन कर रहा है। मैं बीएफडी के पास में से ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे वायुमंडल है अभी और कैसे चल रहा है हमारा ये चक्की, और ये सारा हमारा जो सेटअप लगा हुआ है, ये हमारा क्रॉम्पटन की 30 HP की डिवाइस लगी है, ड्राइव लगी है, जो कि 18 से 19 एम्पीयर का करंट लोड ले रही है। जो हमारा ये मोटर चल रहा है 15 HP की एक पुरानी मोटर जो चल रही है, कस्टमर ने बताया कि हमारे बहुत ही पुरानी मोटर है, जिसको हमने ये 10 HP की मोटर है पर इसमें हमने मोटर गेज के भरवा के इसको 15 HP के लोड को चलाने के लिए हमने ऐसा करवाया था। तो आप देख रहे हो 650 वोल्टेज है, 17 एम्पीयर है, 50 Hz की फ्रिक्वेंसी से चल रही है। और इसके बाद मैं आपको एक बार फ्रंट कैमरा में आ गए हैं, जैसे कि देख रहे हो ये हमारा 30 HP का क्रॉम्पटन का बीएफडी। मौसम कम सही है, फिर भी अभी लोड 17-18 एम्पीयर का लोड ले रही है। मैं एक बार आपको बगल के विंडो से मौसम भी दिखाता हूँ कि मौसम कैसा है। मौसम में बहुत ही हल्का धूप है, इसके लिए देखिए ये हमारा बीएफडी। अब मैं पूरा दिखाता हूँ कि क्या कितने एम्पीयर लोड से, फिर से देखिए 17-18 एम्पीयर 50 Hz वही है। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरा कारखाना ही दिखा देता हूँ, जो कि आटा चक्की और उसके बाद स्पेलर 6 वोल्ट का स्पेलर यहाँ पे लगा हुआ है। पहले इंजन या बिजली से काम करते थे पर अभी ये सीधा ही सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है हमारा सोलर पैनल, क्योंकि बिल्कुल कम धूप होने के बावजूद हमारा एक लोड अभी चल ही रहा है। बारी बारी से लोड तो चल ही रहा है, लेकिन एकदम बिल्कुल कम धूम होने से ये हमारी है मोटर, जो पुरानी मोटर मैं आपको बता रहा था एकदम सही तरीके से। देखिए ये हमारा है एक्सपेलर ऑयल मशीन, जिसमें हम पिराई करवा रहे हैं, और रोक दे तब तक। अभी एक बड़ा सा पूरा व्यू दिखाते हैं, देखिए भाई साहब अपना कितने आसान तरीके से सोलर पैनल से सीधे स्पेलर को चला रहे हैं, जबकि धूप भी कम सही धूप है। मतलब आजकल जान ही रहे हैं आप लोग, बारिश का समय चल रहा है तो इसके वजह से धूप कम सही है, फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्रतापगढ़ में यह प्लांट हमारा लगा हुआ है, संग्रामगढ़ में। आप जिस भी किसी को देखना है या समझना है तो आप प्रतापगढ़ में जाइए, प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ क्षेत्र में जाइए, कुंडा के आगे
मानिकपुर से होकर भी आप आ सकते हैं, मानिकपुर से आके लाला की बाज़ार बोलेंगे तो आपका सही एड्रेस पे आप पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक पूरा व्यू दिखाई दिया, एक बार मैं आपको अपने कैमरे को घुमाकर पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इनका स्पेलर, ये हमारा अभी दिखेगा कि हाँ BFD ड्राइव हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखिए हमारा ये BFD ड्राइव 30 HP का, जो हमारा क्रॉम्पटन की BFD ड्राइव और उसके साथ में पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये देखिए इनके पास आटा चक्की, और मैं इनसे बात भी करवाता हूँ जो यहाँ पे पिराई कर रहे हैं, इनसे बात भी करवाता हूँ मैं। आप अंकल ये बताइए आपका नाम क्या है? शिव नारायण यादव। अभी जब बिल्कुल धूप नहीं है फिर भी अभी आपका चक्की चल रहा है? चल रही है। बढ़िया चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। आप? हाँ सही है। चक्की सही चल रही है? चल रही है। स्पेलर भी चल रही है सब? जैसे कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि बढ़िया चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे चल रहा है? चल रहा है ठीक, धूप रहेगी तो बढ़िया काम होगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि सही चल रहा है, धूप रहेगा तो और ज़्यादा बढ़िया काम होगा। फिर भी अभी धूप नहीं है फिर भी चल रही है। देखिए स्पेलर जो चल रहा है, इसकी स्पीड भी देख सकते हो आप। मैं अंदर उसमें दिखाता हूँ आपकी इसका कैसे सारा सिस्टम चल भी रहा है। इसका देखिए ये घूमने वाला जो रोटर लगा रहता है इसमें घूम रहा है स्टैंड इसका। अब ये मोटर देख लीजिए, ये पूरा देख लीजिए, ये इंजन जैसा कि देख रहे हो ये इंजन अब खड़ा ही रहता है, अब बहुत ही कम समय पे चलता है। जिस टाइम बिल्कुल बारिश हो रही है या फिर शाम की समय हो गया रात को चलाना है तभी ये इंजन का यूज़ करते हैं, नहीं तो इंजन का बिल्कुल यूज नहीं करते, दिन का पूरा काम कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल जब धूप नहीं है तब क्या कंडीशन में हमारा कितने फ्रिक्वेंसी के लोड से चल रही है और कितने एम्पियर से चल रही है। ये जो देखिए अब मैं आपने इसमें लगाए हैं कोई डिफरेंट हो, जो हमारा क्लाइम मीटर है 15 से 16 एम्पियर का दिखा रहा है। और इसके बाद देखिए हमारे BFD ड्राइव में, जो हमारा BFD ड्राइव है क्रॉम्पटन का 30 HP का ड्राइव है ये इसमें देखिए 26 फ्रिक्वेंसी 26 है और वोल्टेज 600 है और एम्पियर 15-16 ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 26 फ्रिक्वेंसी से घूम रही है कितना कम चक्कर से घूम रही है, तो आप समझ सकते हो। इसके बाद मैं आपको मौसम भी दिखा देता हूँ। मौसम आप जैसा कि देख ही रहे हो कि काफ़ी कम है और बहुत ही ज़्यादा क्लाउड वेदर है, अभी बारिश होकर जस्ट निकला ही है। फिर मैं ये एक बार अपना लोड देख लीजिए, बिल्कुल 26 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से चल रही है। फिर भी देखिए ये दरुआ की पिसाई कर ले रहे हैं क्योंकि इनको हर चीज़ का फ़ायदा लेना है, बिल्कुल फ़ायदा लेना है। इसके लिए अपना सारा सेटअप जो है ये तैयार रखते हैं। और अगर आपको भी पैनल से सोलर चक्की या स्टेलर आपको भी चलाना है या आपके पास पुरानी चक्की लगी है उसको आप सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप शिफ्ट करें। थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अभी जब ये नाइट में ही केवल इंजन चलाएंगे, दिन में तो इंजन चलाएंगे ही नहीं। और इसमें देखो ये गेहूँ दोनों कारखाना है।